आज हमारे पास में तीन तीन करंट अफेयर की बुक्स है, जिनमें से एक ये देखा जाए तो स्प्रिंग बोर्ड्स के मंथली नोट्स आते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आरएस के लिए क्या पढ़ें, नोट्स फॉलो करें, उत्कर्ष की मैगजीन फॉलो करें, मूमल की फॉलो करें। तो देखो, मैं आपको सबको आज कंपेयर करके बताना चाहता हूँ कि जैसे आप मंथली का देख सकते हो, तो इसमें क्या है कि स्प्रिंग बोर्ड ने मंथली बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें दी हैं, जो चीज़ उनको लगता है कि हाँ भैया ये आ सकती है, वो आ सकती है राजस्थान के हिसाब से, क्योंकि आप भी जानते हो कि स्प्रिंग बोर्ड काफ़ी अच्छी कोचिंग है। तो उन्होंने अपने मटेरियल में देखा, आप जैसे देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इनको बताया गया है। दूसरी हमारे पास में है भाई साहब ये उत्कर्ष। उत्कर्ष नो डाउट बेस्ट है अपने करंट अफेयर के अंदर, पर इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि जो दी गई हैं वो ऑल इंडिया के हिसाब से दी गई हैं। ऑल इंडिया के हिसाब से लाइक जैसे तो आप देख सकते हो कि इसमें बोर्ड का गठन, तो थोड़ा ये नहीं कि सिर्फ आपको एक टॉपिक दे दिया और उसके बारे में वन लाइनर टाइप नहीं है, ये अच्छे से थोड़ा डिटेल किया गया, एक्सप्लेन किया गया, जिससे आप क्या है चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। पर दिक्कत एक ही चीज़ है कि आपके पास अभी जैसे देखा जाए तो 20 से 25 दिन बचे हैं, तो इतना सब पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको और अच्छे से फॉलो करना है तो आप देख सकते हो कि मूमल का नाम कोई ऐसा नहीं होगा जो राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और उसे पता ना हो मूमल का नाम। मूमल एक बहुत अच्छी अपने आप में मतलब लाइक वो निकालती है जो ये है अपनी करंट अफेयर्स वगैरह। इसमें क्या किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी दिए गए हैं उनको एक टॉपिक वाइज बना दिया है। टॉपिक के साथ साथ इसमें क्या है कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि वो वन लाइनर अच्छे से याद कर लेते हैं, कई वन लाइनर अच्छे से नहीं कर पाते, जो वन लाइनर अच्छे से पढ़ लेते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वो है, जिसमें आप देख सकते हो जिस तरीके से जैसे राज्यपाल 41 कौन से कलराज मिश्रा चुने गए, तो ये सारे एक तरीके से दिए गए हैं जैसे आप देख सकते हो, और वो प्रॉपर राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनके ऊपर फोकस्ड होके हैं। आप लास्ट में देख सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी करवाई गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं आपके हिसाब से आपको कौन सा है, और ऐसी वीडियोस के लिए। और एक और जो अभी बिल्कुल बूस्टर नोट्स के रूप में निकाली गई है अपने कपिल चौधरी जो आरटीएस हैं, इन्होंने निकाली है। इनके आप देख सकते हो कि ये कलर एकदम निकाली है, ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर मतलब जैसे कि कई लोग होते हैं कि हमें वन लाइनर याद नहीं होते, एक्सप्लेन याद नहीं होते, तो इसमें क्या है कलरफुल के साथ में आपको फोटो भी दिखे गए हैं, आपको जैसे जो पढ़ने में जाए कि भैया हमें थोड़ा सा मतलब मनोरंजन भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए। बट इसमें एक मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज ये लगा कि जो इसका जो प्रिंट निकाला गया थोड़ा छोटा निकाला गया है, जिसको पढ़ने में एक इंसान को काफ़ी थोड़ा सा जोर आ सकता है। जैसे आप ऊपर से देखेंगे तो एक पेज में बहुत सारी वो है, बट ओवरऑल वैसे इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। अगर इसकी थोड़ा सा फ्रंट को अगर बड़ा कर दिया जाता तो ये काफ़ी बेस्ट होती है अपने जगह। ओके, और आरएस के अपडेट से रिलेटेड किसी भी तरीके के एग्जाम, राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप हमसे फॉलो कीजिए चैनल को, और कंटेंट बहुत ही अच्छा हम आपको बताते जाएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओके।